सो हे गाइस, इज आवर्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, स्वागत है आप सभी के एक और नए स्टडी व्लॉग में। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11:07 और आज मैं अपने क्लास नहीं गया क्योंकि बहुत ही आज खतरनाक वाली धूप हो रही है। तो फिलहाल मुझे 2 किलोमीटर अपने साइकिल जाना पड़ेगा क्लास, क्योंकि आज मैं नहीं जा पाएंगा क्योंकि भाई बहुत ही गर्मी है फिलहाल। तो आज अपन रूम में ही बैठ कर स्टडी करने वाले हैं। तो फिलहाल आज मेरा 2 ही चीज टारगेट है, क्योंकि मैं टू डू लिस्ट में भी लिख लिया, जो कि पहला है स्टैटिक जीके मुझे पूरा कम्प्लीट करना है और दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स का, वो भी 1 शॉट में लेक्चर देखना है। तो ये 2 बस टारगेट मैंने लिया, आज मुझे पूरा दिन इसको कंप्लीट कर लेना है। लेफ्ट से मेरा होता है कि वैसे मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं और मैं लास्ट होता हूँ 10:30-11 बजे का, तो भाई पूरा दिन बचे हुए हैं, तो आई होप कि ये कंप्लीट हो ही जाएगा। तो फिलहाल अभी नाश्ता करते करते अपने पढ़ाई शुरू करते हैं। और गाइस, आज नाश्ते में है मूढ़ी भुजिया। वैसे तो मैं ये थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG का मैं एक शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो शॉर्ट नोट आपको लिए अच्छा रहेगा। और साथ में मैंने जो स्टैटिक जीके है, ये मेरा जो लेक्चर है ये ऑलमोस्ट 4.25 घंटे का, तो इसको कंप्लीट करने मुझे लगता है पूरा दिन लग जाने वाले हैं। वैसे ये सारे जो है पोर्शन रटने के लिए होते हैं, क्योंकि आपको अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गंगा नदी की लेंथ कितनी होती है तो आपको इसमें रटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2510 किलोमीटर होती है इंडिया की बात करूँ, और अगर इंडिया से बाहर की बात करूँ तो 2525 किलोमीटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। मुझे लगता है कि ये जो स्टैटिक जीके है इसको मुझे कंप्लीट करने में पूरे दिन लग जाने वाले हैं, और साथ में KTG भी है, थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG, उसका भी जो अच्छे से मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी समय चुका है 9:04 और एक्चुअली मैं जो ये स्टैटिक जीके ये मेरा 1 से 1.5 घंटा के आसपास का लेक्चर मैं कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं 1 से 1.5 घंटा लेक्चर को कंप्लीट कर पाया, क्योंकि सुबह से लेकर के मेरे माइंड में काफी ज्यादा हेडेक है और मैं बीच में सो चुका था। और फिर अभी मैं उठा, जैसे अभी 9 बज रहे हैं, उठा तो मैं थोड़ा देर पहले था। तो फिलहाल अभी जो है कंटिन्यू करते, बट अभी जो है इससे मतलब ये जो लेक्चर इसको मैं अभी नहीं कंटिन्यू करने वाला स्टैटिक वाले को। तो अभी करते हैं गाइस थर्मोडायनेमिक्स को शुरू, और जब तक मेरे से हो सके 1 से 1.5 घंटा या 1.5 घंटा, जब जब तक हो जाए, जब तक मेरे को ज्यादा हेडेक ना आ जाए, तब तक मैं पढ़ूंगा और उसके बाद खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा गाइस, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक भी है। और मैंने चैलेंजेस भी रख लिया है कि भाई मेरे को रेगुलर ब्लॉग्स डालने हैं और साथ में मेरे को पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए मैं चैलेंज को फॉलो करने के लिए मैं बस ये कर रहा हूँ, नहीं तो भाई मेरे को कोई ज़रूरत नहीं था इसकी। वैसे तो ये चैप्टर को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था एक बार, लेकिन मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए थे, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है ये चीज़ करना, तो इसलिए मैं बस आज शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी